आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का। सेकंड लेक्चर जो हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में, उसमें हमने देखा कि हमारे पास 3 रेफरेंस मॉडल के आगे से सब पार्ट्स थे 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फंक्शन बेस्ड, कंपोनेंट बेस्ड और डेटाबेस देखा हमने। उसके बाद हमने हेट्रोजेनिटी, ठीक है, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस देखा। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटेड का जो हमारा डेटाबेस था उसमें हमने एक मॉडल का रेफरेंस देखा था, एग्जांपल देखी थी, वो हमारा था ANSI Spark आर्किटेक्चर या 3-level schema architecture। 3-level schema architecture हमने लास्ट लेक्चर में देखा, उसमें हमने एक आर्किटेक्चर का डिज़ाइन देखा, उसके अलावा हमने उसकी 3 लेयर्स देखी और उनसे रेलिवेंट जो उसकी क्यूरीज थी इंटरनल एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल वो देखा। आज हमारे पास जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 का वो हमारे पास है आर्किटेक्चुरल मॉडल्स ऑफ 3 dimensions। आपके पास 3 dimensions कौन सी हैं आर्किटेक्चुरल मॉडल्स की और आर्किटेक्चुरल मॉडल्स को किन 3 dimensions में आप क्लासिफाई करते हैं आर्किटेक्चर मॉडल को अपने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्टूडेंट यहाँ पे आर्किटेक्चर मॉडल में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है अटोनोमी। एक क्लासिफिकेशन है हमारे पास आर्किटेक्चुरल मॉडल की डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। हम बात एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की कर रहे हैं, दोबारा मैं इसे रिपीट करता हूँ या बार बार मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ इस वजह से ताकि आपके जहन में रहे प्रीवियस लेक्चर का डाटा कि हम लेके किसे चल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड की जब मैं बात करता हूँ तब मैं बात करता हूँ इस चीज की कि हमारे पास लॉजिकली साइट्स इंटररिलेट कर रही हैं, लॉजिकली साइट्स इंटररिलेट कर रही हैं, जबकि फिजिकली वो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड का है कि हमारे पास जो साइट्स हैं वो फिजिकली डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी हुई हैं, लेकिन लॉजिकली वो किसी एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं, किसी एक थीम पे काम कर रही हैं, किसी एक एम पे काम कर रहे हैं, वो तमाम साइट्स मिलके कोई एक रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। अब उसी एक नेटवर्क में जहां पे आपकी साइट्स डिफरेंट है लेकिन लॉजिकली वो इंटररिलेट है, उसमें हम बात करते हैं यहाँ पे 3 terms है हमारे पास, एक अटोनोमी है, 3 dimensions है उसी डेटाबेस की डिस्ट्रीब्यूटेड की, एक अटोनोमी है, सेकेंड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है और थर्ड हमारे पास हेट्रोजेनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे अटोनोमी, ठीक है। अटोनोमी में हमारे पास जो अटोनोमी सिस्टम है, यहाँ पे अटोनोमी का मतलब होता है किसी चीज को बा इख्तियार अटोनोमस कर देना, बा इख्तियार कर देना किसी भी चीज को। बा इख्तियार से मुराद यहाँ पे यह है कि आप अपने सिस्टम को अपनी जितनी भी साइट्स हैं उन्हें बा इख्तियार कर दें, उन्हें अटोनोमस कर दें डिफरेंट लेवल्स पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अटोनोमी की डिस्ट्रीब्यूटेड में, तो हम बात ये कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड का ले रहे हैं तो हमारे पास एनवायरनमेंट इस तरह का है जहाँ पे मुख्तलिफ साइट्स अलहदा जगह पे पड़ी हुई हैं लेकिन इंटररिलेट भी कर रही हैं, जो हम बार बार यूज करते हैं लफ्ज कि लॉजिकली इंटररिलेट कर रही हैं। लेकिन अटोनोमस का क्या मतलब है कि मतलब यहाँ पे यह है कि तमाम साइट्स को अगर बाइख्तियार कर दिया गया। अटोनोमस में भी मुख्तलिफ लेवल आते हैं, अटोनोमी के मुख्तलिफ लेवल्स आते हैं, उसकी आगे सब टाइप्स आ जाती हैं अटोनोमी की। अब सबसे पहले अटोनोमी में देखते हैं क्या रहा है कि इन बेस डिस्ट्रीब्यूशन DBMS कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। अटोनोमी में ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी एक साइट पे अप्लाई हुआ कोई मैनेजमेंट सिस्टम वो वर्क करता है इंडिपेंडेंटली, वो इनफरादी तौर पे काम कर रहा होता है किसी एक साइट का कोई एक मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब एक पूरी साइट अपने मैनेजमेंट के साथ, अपने मैनेजमेंट सिस्टम के साथ अलहदा इंडिविजुअली वर्क कर रही है, जिसकी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है और वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे ये अटोनोमस सिस्टम होता है। अच्छा, अटोनोमस में बेटा हमारे पास जो कुछ यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है अटोनोमस की, इसमें हम देखते हैं हमारे पास टाइट इंटीग्रेशन है, सेमी अटोनोमस है और टोटल आइसोलेशन आ जाती है हमारे पास। टाइट इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, अ सिंगल इमेज ऑफ एंटायर डेटाबेस शो एवरी यूजर, यहाँ पे बेटा टाइट इंटीग्रेशन से मुराद यह है कि सम अप हुए हैं वो, और इस तरह सम अप हुए तमाम सिस्टम, तमाम साइट्स, तमाम मैनेजमेंट सिस्टम
कि किसी एक मैनेजमेंट सिस्टम की शक्ल तमाम मैनेजमेंट सिस्टम देख सकते हैं, मतलब यह है कि कोई एक मैनेजमेंट सिस्टम भी तमाम मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इस तरह रिलेट कर चुका है कि बाकी मैनेजमेंट सिस्टम भी उससे इजीली इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है एक दूसरे से और कोई इंडिविजुअली वर्क नहीं कर रहा। यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है ये टाइट इंटीग्रेशन कहलाएगी, मतलब ये कि यहाँ पे आपकी तमाम साइट्स जो है वो कपल्ड हो चुकी है एक दूसरे के साथ, टाइटली कपल्ड हो चुकी हैं और तमाम साइड्स एक ही व्यू को रिप्रेजेंट करेंगी। ये हम बात कर सकते हैं इस तरह के सिस्टम की कि किसी अदारे में अगर मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है तो अकाउंट से रेलिवेंट तमाम डाटा तमाम मैनेजमेंट सिस्टम पे जो अप्लाई किया गया है वो एक ही पेज को शो करवा रहा है, एक ही डाटा को शो करवा रहा है, मतलब ये है कि तमाम सिस्टम्स पे तमाम साइट्स पे एक ही मैनेजमेंट सिस्टम का डाटा शो हो रहा है, एक ही डाटा तमाम साइट्स को लेके चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस से हम बात करते हैं कि ऑटोनोमस तो है, इख्तियार तो है उसके पास, इंडिविजुअल होने का इख्तियार तो है, इंफरादी होने का इख्तियार तो है, लेकिन सेमी है। सेमी से मुराद यहाँ पे है कि कुछ हिस्सा है उसका और कुछ नहीं है, कुछ रिलेट करता है कुछ नहीं है, टोटल नहीं है, सेमी है यहाँ पे। सेमी से मुराद यह है कि डीबीएमएस वर्क इंडिविजुअली बट हैव राइट टू शेयरिंग, कि तमाम डीबीएमएस जो है वो वर्क कर रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन जहां पे उन्हें जरूरत पड़ती है वो अपने एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी कर सकते हैं। मतलब यह है कि ऑटोनोमस वो हैं, इंडिविजुअल वो हैं, अलहदा इंफरादी तौर पे वो काम कर रहे हैं अपना, लेकिन जहां पे उन्हें जरूरत पड़ेगी वो एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग भी कर सकते हैं, डाटा कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और अपना डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वो फाइल ट्रांसफर हो, वो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हो, किसी भी लेवल पे वो डाटा ट्रांजैक्शन हो सकती है, डाटा ट्रांसफर हो सकता है, डाटा म्यूचुअली वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं आपके सेमी ऑटोनोमस। लेकिन तब जब वो सिस्टम चाहेगा, जब वो सिस्टम इजाजत देगा और जब वो सिस्टम अलाउ करेगा तब ही डाटा को शेयर किया जा सकता है, अदरवाइज वो इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं। जो अलाउ करेगा पार्टिसिपेंट वो ही शेयरिंग भी कर सकता है और वो ही एक्सेप्ट भी कर सकता है डाटा को। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल आइसोलेशन का, सेमी ऑटोनोमस की बेटा एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जिस तरह ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होते हैं और आप अलाउ करते हैं किसी को तो वो डाटा शेयर कर सकता है, अदरवाइज वो डाटा शेयर नहीं कर सकता। इस तरह सेमी ऑटोनोमस में भी सिस्टम्स इंडिविजुअल है लेकिन अगर वो अलाउ करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, डाटा शेयरिंग भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात हम करें तो टोटल आइसोलेशन, टोटल आइसोलेशन का मतलब बेटा आपको पता होगा, हम जानते हैं कि टोटली तौर पे आप आइसोलेट हो जाओ, अलहदा हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे तमाम सिस्टम जो है वो इंडिविजुअल हो जाते हैं और इंडिविजुअल होने से मुराद ये है कि वो सिस्टम एक दूसरे के साथ कतन इंटरेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे स्टैंड अलोन डीबीएमएस नाइदर नो द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर डीबीएमएस, यहाँ पे जितने डीबीएमएस हैं, जितने डीबीएमएस हैं वो सारे क्या होंगे, वो एग्जिस्ट करते हैं कि उन्हें किसी भी दूसरे डीबीएमएस का नहीं पता। मतलब यहां से मुराद यह है कि बेटा अगर एक 10 सिस्टम, एक मैनेजमेंट सिस्टम जो 10 है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अटैच है तो वो तमाम सिस्टम, टोटल आइसोलेशन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें वो तमाम सिस्टम इस तरह इंडिविजुअल होंगे कि उन्हें यहां तक नहीं पता होगा कि मेरे साथ कोई और सिस्टम कनेक्ट है भी कि नहीं, टोटल ही वो आइसोलेट होंगे। वो ना तो डाटा ट्रांसफर कर सकती हैं, साइट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो ना तो डाटा ट्रांसफर कर सकती हैं, ना ही उन्हें अलाउ है ट्रांसफर करना, वो टोटल आइसोलेट हो जाते हैं, टोटल अलहदा हो जाते हैं और सारे मैनेजमेंट सिस्टम अपना अपना अलहदा व्यू दे रहे होते हैं, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं होती और कोई चीज भी वो आपस में शेयर नहीं कर सकते। ये बात हम कर रहे हैं टोटल आइसोलेशन की। ये तीन जो है हमारे पास डायमेंशंस आ जाती हैं, इसके पास ऑटोनॉमी की सब टाइप्स आ जाती हैं। उसके बाद तीन डायमेंशंस की बात करते हैं ऑटोनॉमी की, तीन सिमतों की बात करते हैं कि कौन कौन सी सिमत ऑटोनॉमी में बाइख्तियार, के कौन कौन से सिमत ऑटोनॉमी को बाइख्तियार करती है। सबसे पहले बात आपके पास आ जाती है डिजाइन ऑटोनॉमी की। डिजाइन ऑटोनॉमी में हम ये बात करते हैं कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपके
जो डिजाइन है वो ऑटोनोमस है, मतलब ये है कि आपका डिजाइन जो है वो अपने लिहाज से इनफरादी है, अपने लिहाज से डिजाइन इनफरादी है और अपने लिहाज से वो कुछ ना कुछ इख्तियार भी रखता है, अगर तो वो चाहे तो वो शेयर कर सकता है, इन केस वो चाहे वो शेयर नहीं कर सकता, कुछ इख्तियार उसके इस तरह के हैं जो कि वो इंडिविजुअल रखता है। यहाँ पे कह रहा है इंडिविजुअल टीपीएमएस राइट टू यूज डिफरेंट डाटा मॉडल्स और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स, कह रहा है कि मुख्तलिफ डीपीएमएस जो आपके पास यहाँ पे इंडिविजुअल डीपीएमएस है वो मुख्तलिफ डाटा मॉडल्स रखते हैं और मुख्तलिफ उनकी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा सकता है बेटा कि अगर आप बात करते हैं डिजाइन ऑटोनॉमी की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आपके पास डिजाइन ऑटोनॉमी में कुछ सिस्टम इस तरह के हैं जिनके आपके पास डिजाइन बिल्कुल इंडिविजुअल है और वो ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस से मुराद ये है कि वो बाइख्तियार है, उनकी मर्जी है वो डाटा शेयर करते हैं या नहीं करते, ये उन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एग्जांपल आती है हमारे पास, अगर हम किसी बैंकिंग सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास जो HBL अगर UBL से डिफरेंशिएट करें हम, तो शायद HBL का डिजाइन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का अलग हो और UBL का डिजाइन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का अलग हो, शायद उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, शायद उनके डिजाइन अलग हो आर्किटेक्चरल लिहाज से। यहाँ पे ये हमारे पास डिजाइन ऑटोनॉमी में आता है, अगर वो सिस्टम चाहे तो वो किसी के साथ शेयरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज उनके डिजाइन और उनकी टेक्निक्स वो एक दूसरे से डिफरेंट है और ऑटोनॉमस है, बाइख्तियार है और अपनी खुद जो है वो उसमें राइट्स उन्हें पता है। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑटोनॉमी की। कम्युनिकेशन ऑटोनॉमी से भी यहाँ पे मुराद अगर हम ली जाए, आपके पास डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई हो चुके हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है मुख्तलिफ साइट्स का कि क्या वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि नहीं, अगर तो वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी है, नहीं तो उनका ये भी ऑटोनॉमस इख्तियार है एक उनका कि वो कम्युनिकेट करें या ना करें। कह रहा है ईच इंडिविजुअल डीपीएमएस हैव अ राइट टू शेयर इंफॉर्मेशन टू अदर डीपीएमएस, के हर इंडिविजुअल जो इंफरादी एक मैनेजमेंट सिस्टम है उससे राइट है कि वो चाहे तो अपना डाटा शेयर कर सके, अदरवाइज वो डाटा शेयर ना करे, मतलब उस पर कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है, वो ऑटोनॉमस है, बाइख्तियार है, अगर तो वो चाहे। अगर इसकी एग्जांपल मैं ये आपको दे सकता हूँ कि अगर आप चाहें तो कोई एक ब्रांच डाटा शेयरिंग करना चाहे तो कर सकती है, अदरवाइज वो ऑटोनॉमस है, आपके पास यहाँ पे वो डाटा शेयरिंग अगर ना करना चाहे तो वो डाटा शेयरिंग नहीं कर सकती किसी भी बैंक की एक ब्रांच। अगर वो चाहती है कि अपनी ट्रांजैक्शंस की अपनी डिटेल किसी दूसरी ब्रांच के साथ शेयर की जाए, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि किसी दूसरे बैंक के साथ शेयर की जाए, तो अगर वो इसे समझते हैं कि शेयर करना चाहिए तो वो कम्युनिकेशन हो सकती है, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन के काबिल नहीं है या कम्युनिकेशन वो नहीं कर सकती। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑटोनॉमी की बात हम करते हैं। कह रहा है ईच इंडिविजुअल डीपीएमएस हैव राइट टू एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन व्हिच आर सबमिटेड, के हर इंफरादी तौर पे जो आपके पास एक मैनेजमेंट सिस्टम है वो अपने तरीके से ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करेगा, वो अपने तरीके से ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करेगा जिस वे में वो करना चाह रहा है, जिस वे में उसमें उसे सबमिट करवाई गई है रिक्वेस्ट उस वे से वो उसे सॉल्व करेगा और इसमें वो ऑटोनॉमस है और बाइख्तियार है कि किस तरीके से उसने ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करना है और तमाम ट्रांजैक्शंस जो है उसने एग्जीक्यूट करवानी है। ये कुछ डायमेंशंस थी हमारे पास जो कि हम ऑटोनॉमी डायमेंशन जिसे हम कहते हैं, और एक ऑटोनॉमस सिस्टम है जो कि बाइख्तियार सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ साइट्स हैं उन पे मुख्तलिफ मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उनके कौन कौन से राइट्स हैं। पहला राइट के उनका डिजाइन मुख्तलिफ है, अपने अपने डिजाइन के मुताबिक वो चलेंगे। सेकंड के कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो करेंगे, अदरवाइज उन्हें वो अगर कोई पाबंदी नहीं है कि कम्युनिकेट करना लाजमी है, अगर वो अलाउ करते हैं तो कम्युनिकेट करेंगे। थर्ड के उन्होंने किस तरह ट्रांजेक्शन करनी है ये भी वो देखेंगे। यहाँ पे जो हम तीनों ये चीजें देख रहे हैं बेटा, ये अपने जेहन में रखना है कि हम इसे नेटवर्किंग के लिहाज से देख रहे हैं। नेटवर्किंग के लिहाज से मतलब फिजिकली साइट्स डिफरेंट पड़ी हुई है, लॉजिकल इंटरलेट है वो ज्यादा पाता है, लेकिन फिजिकली साइट डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे अगर फिजिकली चीजें डिफरेंट हैं तो उसे आप ऑटोनॉमस भी कर देते हैं,
उसे आप बाइख्तियार भी कर देते हैं, फिर उनकी मर्जी है वो इंडिविजुअल रहते हुए डाटा शेयर करना चाहे या ना करना चाहे। स्टूडेंट्स हमने ऑटोनॉमी का देख रहे थे, हम अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑटोनॉमी की हमने थ्री टाइप्स आगे सब टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे यहाँ पे ऑटोनॉमी की डायमेंशंस, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हमने स्टार्ट में देखा कि हमारे पास आर्किटेक्चर जो मॉडल है हमारे पास, उसमें हमारे पास तीन चीजें हैं, ऑटोनॉमस होना उसका, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी हेट्रोजेनिटी। ऑटोनॉमस में हमने देखा कि उसकी सिक्स टाइप्स थी यहाँ पे, अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि सिस्टम किस तरह एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कह रहा है कि रेफर्स टू फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा ओवर डिफरेंट साइट्स। यहाँ से मुराद ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद यहाँ पे ये है कि आपकी साइट्स जो हैं वो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट है, लॉजिकली इंटरलेट है, लेकिन फिजिकली वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। अगर सिस्टम फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अगर सिस्टम फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉपर्टी जो है आर्किटेक्चर डिजाइन में वो भी खत्म हो जाती है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता तो डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म हो जाती है। अब यहां भी है कि नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, अगर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो डाटा भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा यहाँ पे। इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हमारे पास आर्किटेक्चर डायग्राम्स या मॉडल्स हमारे पास हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्लाइंट सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लाइंट और सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आपने प्रीवियस भी पढ़ा होगा पहले भी डेटाबेस में, क्लाइंट सर्वर क्या है कि एक आपके पास सर्वर सिस्टम है और मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, ठीक है। आपके तमाम क्लाइंट्स जो हैं वो सर्वर से रिसोर्सेज लेते हैं, उसे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो रिसोर्सेज एलोकेट करता है, अलाउ करता है, तो उसे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वन सर्वर मैनी क्लाइंट्स, ये तमाम लोगों को पता है। एक ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हमारे पास पीयर टू पीयर का हो सकता है। मतलब यह है कि तमाम आपके पास जितने सिस्टम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इस लिहाज से कि तमाम ऑटोनॉमस भी हैं साथ, वो इंडिविजुअल भी हैं। कह रहे ईच मशीन हैज फुल डीबीएमएस फंक्शनैलिटी, के हर मशीन अपनी डीबीएमएस फंक्शनैलिटी का पूरा इख्तियार रखती है और फुली ऑटोनॉमस है अपनी फंक्शनैलिटी में, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी से उसे डाटा रिट्राइव नहीं करना पड़ा, किसी को रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी पड़ी। ये सिस्टम आपका पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है और ये भी आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है, आर्किटेक्चर डिजाइन का। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर डिजाइन में हमारे पास आ जाता है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी से मुराद, आगे हमने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, तो हेट्रोजेनिटी से मुराद है डिफरेंट होना किसी चीज का। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि आपके सिस्टम डिवाइड है फिजिकली, लेकिन किन चीजों की बुनियाद पे वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। उनमें कुछ चीजें हमारे पास है कि आप रेफर्स टू द डिफरेंट लेवल ऑफ कंपोनेंट्स। इससे मुराद यह है कि कौन कौन से लेवल के कंपोनेंट्स आपके ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम, ओवरऑल आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हार्डवेयर सिस्टम, हर जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड साइट है उसका हार्डवेयर सिस्टम दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, हेट्रोजेनिटी हो सकती है उसमें। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने का वे डिफरेंट हो सकता है, तरीकाकार डिफरेंट हो सकता है कि कौन सा तरीकेकार से कम्युनिकेशन करनी है या कौन सा वे चूज करना है वो डिफरेंट हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उनके डिफरेंट हो सकते हैं कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत वो काम कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन उस पर चल रही है वो भी डिफरेंट हो सकती है। मैनेजमेंट सिस्टम भी उनके डिफरेंट हो सकते हैं और डेटाबेस कंपोनेंट्स उनके डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब उनकी क्वेरी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, SQL क्यूरी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा उनकी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स डिफरेंट हो सकती हैं कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। ये तमाम चीजों की बुनियाद पे आप उसे कह सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस है या हेट्रोजेनिटी इसमें लेके आ सकते हैं आप। इसमें आप देखें तो हमारे पास एक डायग्राम है हेट्रोजेनिटी की, ठीक है। ओवरऑल एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमारे पास एक डायग्राम है जो हमारे पास एक्स वाई और जी के लिहाज से यहाँ पे डायमेंशन शो कर रही है, इसे आप डायमेंशन डायग्राम भी कहते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास कौन सी चीजें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड में क्लाइंट सर्वर आ जाता है जो भी आपने देखा, और हमारे पास यहाँ पे
पीयर टू पीयर का सिस्टम आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड में, क्योंकि थ्री डायमेंशन है हमारे पास, एक्स वाई और जी के डायमेंशन है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोनोमस की, ऑटोनोमी में, ऑटोनोमी में हमारे पास मल्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड हमारे पास फेडरेटेड डेटाबेस सिस्टम आ जाता है, इसे प्रीवियस जो फर्दर लेक्चर्स में हम डिटेल डिस्कस करेंगे फेडरेटेड सिस्टम को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हेट्रोजेनिटी है, हेट्रोजेनिटी में हमारे पास डेटाबेस कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इनकी क्यूरीज आ जाती हैं और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का एक वे आ जाता है। ये एक डायग्राम है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड को, ऑटोनोमी को और हेट्रोजेनिटी को एक्स वाई और जी डायमेंशंस के साथ रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरह इनमें आप कौन कौन से फर्दर टाइप्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स को हमने इस लेक्चर में अभी तक देखा, उसे मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी में हमने देखा ऑटोनोमी की सब टाइप्स देखनी हमने, जिसमें हमने हेट्रोजेनिटी ऑटोनोमी में हमने ऑटोनोमस टाइट ऑटोनोमी, ठीक है, और हमने यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस और आइसोलेशन सिस्टम देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे थ्री डायमेंशन देखी ऑटोनोमी की, जिसमें हमारे पास डिजाइन, कम्युनिकेशन और हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑटोनोमस यहाँ पे सिस्टम आ जाता है। उसके बाद हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटेड क्या, डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाता है। उसके बाद हमने हेट्रोजेनिटी को देखा। उसके बाद हमने एक डायग्राम देखी जिसमें आप थ्री डायमेंशन, जिसमें तीनों डायमेंशन को आप जिक्र करते हैं, ऑटोनोमी का भी, डिस्ट्रीब्यूशन का भी, हेट्रोजेनिटी का भी और उनकी आगे सब टाइप्स का भी। फर्दर जो हमारा स्टूडेंट्स लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर मॉडल पढ़ा है, इसके क्या आर्किटेक्चर्स हैं और इनके क्या डिजाइन्स हैं और उनकी क्या वर्किंग है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो फर्दर हमारे आ रहे हैं उनमें हम इसे डिटेल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।